हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली से पकड़े गए आईएसआई के आतंकी मुस्तकीम से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पता ये चला है कि सीमा पार से फोन पर गूगल लोकेशन और चैट एप्लीकेशन से उसे लगातार आदेश दिए जा रहे थे, जिनका पालन करते हुए यूपी के बलरामपुर से दिल्ली पहुंचा था। आतंकी अबू यूसुफ मुस्तकीम को जब दिल्ली में पकड़ा गया तब हड़कंप मच गया। पूछताछ में मुस्तकीम जो जानकारियां दे रहा है उसने जांच एजेंसियों को और ज्यादा चौकन्ना कर दिया है। स्पेशल सेल को पूछताछ में पता चला है कि मुस्तकीम को गूगल लोकेशन भेजी जा रही थी, जिससे उसे कहां पहुंचना है इसकी जानकारी मिल रही थी। जिस मोटरसाइकिल पर मुस्तकीम था उसका पता गूगल लोकेशन से भेजा गया था। लोकेशन पर मुस्तकीम पहुंचा तो बाइक खड़ी मिली थी, चाबी लगी हुई थी। मुस्तकीम को अगली गूगल लोकेशन करोल बाग की मिली। वो रिज रोड के रास्ते करोल बाग जा रहा था, तब स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को अभी सवाल का जवाब नहीं मिला है कि करोल बाग में मुस्तकीम से कोई मिलने वाला था या अगली गूगल लोकेशन मिलनी थी। सूत्रों के मुताबिक मुस्तकीम बलरामपुर से लखनऊ गया था। लखनऊ में गूगल लोकेशन मिली तो गाजियाबाद के लिए निकला था। गाजियाबाद से बाइक उठाई तो अगली गूगल लोकेशन दिल्ली के करोल बाग की मिली थी, लेकिन दिल्ली में वो सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गया। स्पेशल सेल को शक है कि मुस्तकीम के अलावा दो और फिदायीन हमलावर तैयार किए गए थे। पुलिस अब इस जांच में जुटी है कि इन दोनों फिदायीन हमलावरों को मुस्तकीम ने ही तैयार किया था या फिर सीमा पार से कुछ होना था। दिल्ली से वरुण जैन की रिपोर्ट।